नहीं नहीं अनमेरिड हूँ। आप तो पीछे पीछे आती भी नहीं। मेरी तो सुन। क्या सुनू मैं आपका? बेटे हेलो यस हाँ जी सर बताइए। अच्छा हो गया मेरा सिलेक्शन? ठीक है हाँ एक मिनट मैं लिख लूँ जरा। चल पेन को भी दे, एक सेकंड जल्दी दे जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। दे तू दे। अरे बताऊ ना कौन है? हाँ जी सर बताइए। हाँ जी ठीक है इस एड्रेस पे आना है। ठीक है ओके। कितने बजे? हाँ जी मेरी एज है 31। ओके नहीं अनमेरिड हूँ। हाँ बिल्कुल हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अनमेरिड हूँ मैं। ठीक है थैंक यू ओके बाय बाय। हैं किसको फोन है? अरे स्पिरिचुअल में सिलेक्शन हो गया भाई। हाँ और मैं क्या पूछ रहे थे? उसमें शादीशुदा लोग नहीं जाते ना डेट वेट के लिए, तो मजा आएगा भाई। अब मेरा सिलेक्शन हो गया। वो जो देखते रहते हैं आप सीरियल में, जो मारते हैं वो लोग। हाँ और सब लोग शादीशुदा नहीं हुआ। तभी तो जिम करें, बॉडी वोडी बनाएंगे ना। अच्छी चीज क्या? अब मैं टीवी पे हुआ ना। सच तो बताओ, कौन से काम उनको शादीशुदा हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। तो कुछ भी कर दो सिलेक्शन, और अगले अप्लाई किया और सीरियल उसमें आ जाएगा। ना स्पिरिचुअल डेटिंग वेटिंग कहीं नहीं जा रही। झूठ बोले क्या फायदा जाएगा कहीं भी? ओ मैं जा रहा हूँ। क्या जा रहे हो? वो कितना गंदा है, कितने गंदे कलर लड़की ऐसे से वो कपड़े पहन के आती है उसमें। तो जाना है। ये भगवान, इमेज खराब हो जाएगी पूरी की पूरी। तो जो लोग जाते हैं क्या सोचेंगे आपके बारे में? वो 18-19 साल के बच्चे होते हैं। सीता बोले जलन हो रही है। जलन मुझे जलन क्यों होगी? जलन हो रही है। मुझे जलन क्यों होगी? है क्यों होगी मैं जलन? समझ रहे हो आप? जो बता रहे बता के जनवरी जाओ उनको। मैंने जनवरी बताया नहीं, कल अगर आपको कोई आगे तक जाके मैं कुछ बोल रही हूँ ना। अगर आप आगे तक चले गए फिर बोलोगे ये पता ही लगे फैमिली में क्या है क्या कुछ है सब कुछ बताओगे। हाँ तो मैं उससे जिससे बात करूंगा ना आके उसे सेटिंग कर लूंगा ना। क्या कर रहे हो सेटिंग? पैसे ऐसे देखिए पहले भी हुआ है हो जाता है ये सेटिंग होती है। हाँ देखो ड्रामे मत करो। वो पूछेगा तुम्हारे से घर पे आएगी क्या? इन चीजों में ना कुछ फ्यूचर होता नहीं है। 19-20 साल की जलन हो रही है भाई। मेरे को जलन नहीं हो रही, मेरे को जलन नहीं हो रही। मेरी बात सुनो ना, मेरे को जलन। अरे यार कोई फ्यूचर ही नहीं है इन चीजों में। 2000 years later तो गाइस मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं जाता हूँ मम्मी को बताता हूँ। मम्मी का रिएक्शन देखते हैं, बहुत अच्छा होगा। मम्मी बाहर बैठी है। यस मम्मी मैं टीवी पे आऊंगा अब। अच्छा हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ बढ़िया। हाँ तो बहुत वहाँ पर जो देखते हैं ना छोटे कपड़ों में लड़कियाँ होती है उसमें हुआ इनका सिलेक्शन। अच्छा हाँ तुमको देखेगा? देखूंगा नहीं, उनके साथ पार्टी करूंगा। मम्मी तो अच्छी, आप पता क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं शादी को नहीं अच्छी चीज नहीं। मम्मी फिर टीवी पे नहीं आ पाऊंगा मैं, कह दो ना तो क्या दिक्कत है? मम्मी देख पास नहीं नहीं मम्मी मैं सेटिंग कर लूंगा कुछ सब पता चल जाता है। तू मम्मी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए जल रही है ये। मैंने कब अप्लाई किया था? अप्लाई तो आप ही ने किया था। चल तेरी एंट्री नहीं है ना वैसे। बात तो सुनो मेरी एक बार। नहीं क्या सुनो बता, एक बार बताओ अब कर लोगे आप इसको? ठीक है आप तो पीछे पीछे आती भी 20 साल के बच्चे जाते हैं। आओ फॉलो मी। जलन और एक होती आग लग जाना भाई। मेरे को आग लगेगी? मैं भी खुशी में कुछ नहीं हूँ ना। नहीं सेट हुआ है काम छोड़ करके जाओ। कौन संभालेगा काम को? रहने दे तू, सब पता मेरे को। बता तो दे काम कौन संभालेगा आपका? कुछ भी भैया देखो ऐसा है
मैं जाऊंगा किसी भी हालत में, मेरा कंफर्म है, तुझे जो क्यों कंफर्म है जाने की टेक्निक नहीं बता रही, ना जाने की कितने सारे सोल्यूशन बता दिए इसने। कोई फ्यूचर नहीं यार, एक ढंग का मेरा फ्यूचर है, मैं देख लूंगा कुछ ढंग का भी, तो मैं देख लूंगा कुछ ऐसा, हाँ मैं देख लूंगा, चलो ठीक है बच्चों का सीरियल है, मेरी बात सुनो। अरे देखो छोड़ ही नहीं, अरे मैं जा रहा हूँ, ऐसा भी तो हो जिसमें हाँ भाई ये लगे कि हाँ भाई अच्छी जगह जा रहे हो, ग्रैंड जगह जा रहे हो, वो भी दिखाओगे भी अपने खुद की इमेज खराब होगी, पता है आपका बिजनेस चल रहा है ठीक है, अच्छा चल रहा है, मेरी सुनो, मेरी सुनो, तो सुनो मेरी बात सुनो, देखा गाइस देखा, इसे कहते जलन, पूरा समझाना भी कुछ ना बेकार है, मैं हाँ तो मत समझाना, हाँ ठीक है मैं जाऊंगा तुझे, क्या हाँ ठीक है मुझे मत समझा, क्या मम्मी जलन हो रही तो मुझे समझाने में लगी हुई है कि ना जाऊं मैं, ये बोलना सीधा कि मैं लड़कियों के साथ डेटिंग करूंगा, देखो एक बात है डेटिंग से ये तो ऐसा है नहीं कि मैं भी गायब हो जाऊंगी, ये गायब हो जाए, हम तो रहेंगे रहेंगे, तो मैं डेटिंग कर लूंगा, लगेगा डिवोर्स दे दूंगा, क्या कर लोगे डेटिंग, डिवोर्स दे दूंगा अगर कोई लड़की पसंद आएगी तो, फिर अब बोल मेरी बात को ध्यान से सुन, इसलिए चल रही तू, पता है वहाँ पे 19-20 साल के बच्चे जाते हैं, फिर वो कोई आगे सीरियल मिल जाता है, मेरी सुन अभी आया 30 साल का लौंडा उसमें एंट्री होगी, उसके बाद 19 साल के बजाय 10 साल करियर होता बनाने के लिए उनके पास, ऑलरेडी चल रहा है के चैनल पे, मैं उसके बीच में एंट्री ले रहा हूँ, कुछ नहीं आया है तो फालतू चीज, मैं रोज हर हफ्ते देखता हूँ, जब अप्लाई कर रहे थे तभी रोकना चाहिए था मुझे, तुझे पता है कब चला, मैं जा रहा हूँ ठीक है टाटा, मेरी बात तो सुन लो, थोड़ा होता है ये कोई मतलब थोड़ा है आपका। तो गाइस ये चालू ही चुकी नहीं हो रही है, तो बात अलग है, ये लोग जीत गए, अरे भाई मम्मी को पता है, अरे मेरी तो सुन ले, कुछ नहीं रहता है वहाँ पर, सुनी नहीं, कोई भी सिलेक्शन होता ही नहीं है वहाँ पे, अरे मेरी तो सुन, क्या सुनूंगा आपका, वहाँ पे जाना कोई बेनिफिट ही नहीं है मम्मी जी, 18-19 साल के बच्चे जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करेंगे वहाँ जाकर, जो अच्छा खासा काम है, अरे मेरी तो सुन ले, हाँ बोलो, कोई सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, मेरी सुनी नहीं रही तू, झूठ मत बोलो, ड्राम मत करो मेरे को फालतू में, दोस्तों सुबह से बता रहे हो फोन करके, हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे सुनना ही नहीं आपकी बात, चलाते हैं। अरे मेरा सिलेक्शन सच में नहीं हुआ, कोई मान ही नहीं रहा, पर इतना कॉन्फिडेंस है इनको कि मेरा सिलेक्शन हो गया हुआ, यस। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, उसका चलते रहेगा, उसको जब तक फोन दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा तब वो मान जाएगी, हमारा कर्म भी है। चलो अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता ध्यान रखो, जय राम जी की।